हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं नया वाला व्लॉग, और वो भी वर्क वाला व्लॉग। तो आज जो शेड मैं परसों छोड़ के गया था, वो शेड आज कंप्लीट करना है। तो आज ग्लास भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह के 7 बज रहे अभी हम मौजूद हैं नागपुर में। अभी यहाँ पर रुके हैं इस होटल पे, यहाँ पे नाश्ता करेंगे, उसके बाद चलते हैं काम पर। देखते हैं आज नाश्ते में क्या मिलेगा हम। तो भैया ये है आज का हमारा नाश्ता, भजिए। जावेद भाई क्या लिए? इडली भजिया। खुद का सेट लो आइयो, आंध्रा वालों की होटल। ब्रेकफास्ट करने के बाद चाय तो बनती है, ये चाय बहुत अच्छी है माशाल्लाह, टेस्टी है ना। तो भाई बिस्मिल्लाह बोल के काम चालू कर दिया हूँ। ये जो लोकेशन था बासर रोड पे जो है नागपुर करके एक विलेज है, तो विलेज में ये काम मेरे को मिला था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो फ्रेम जो है ना, 2 दिन पहले बिना ग्लास के मैं सेट किया था, बिना ग्लास के टाके लगाया था, तो मेरे 2 दिन आँख जली थी, 2 दिन क्या 24 घंटा आँख जली थी। फिर भी जो है आज जो आने के बाद मैं फुल वेल्डिंग इसको मार रहा हूँ फ्रेम को। और ये जो शूटिंग कर रहे हैं ना, ये हमारे जावेद भाई शूटिंग कर रहे हैं। और भाई ऐसे काम मिलता है ना, बहुत इंजॉय करता हूँ मैं काम में। देखो आप कितना स्टाइल में ठहर करके मैं वेल्डिंग मार रहा हूँ, बहुत इंजॉय करता हूँ मैं काम करते हुए माशाल्लाह। अल्लाह ऐसे ही मेरे को काम अता करे यार, दुआ करो आपके भाई के लिए। तो भैया थोड़ा फेस की सेफ्टी के लिए ये लगाया हूँ, और अभी जो काम कर रहे हैं ना उसमें 2 फीट का क्रॉस है, तो तीनों को जो है फिक्स करके कैसे भी करके जो है फिक्स कर रहा हूँ, अभी आपको बताता हूँ। तो ये देखो माशाल्लाह, ये मेन रोड एकदम हैवी रोड है यहाँ से, और ये आप देख सकते हैं ये टीन बिछा दिया हूँ एकदम रोड पे घर है। तो भाई ये घर वालों के तरफ से जो है लंच प्रोवाइड किया गया था हमारे लिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। और हर बार हर टाइम चाय मिल रही थी, चाय मेरे को बहुत पसंद होती है, तहारी भी मैं पेट भर के खा लिया था माशाल्लाह। क्योंकि मैं खाना बहुत कम खाता हूँ, खाना ज़्यादा खाने से काम नहीं होता मेरे से। और खाने के बाद जो है मैं डोर बनाया हूँ, ये आप देख सकते हैं 3x6 फीट का डोर था, ये 2 डोर बनाना था इस शेड के लिए 2 साइड में। तो ये डोर जो है लाइट वाला टीन आता है, ये आप देख रहे हैं ना, वो टीन से जो है पाइप का फ्रेम बना करके मैं डोर सेट किया हूँ। थोड़ा सा शीट ज़्यादा हो गया था, ये शीट कभी कभी क्रॉस में आता है ना, तो ये मैं कटिंग कर रहा हूँ। इसको कट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा बढ़ के रहता है तो उसको फोल्ड नहीं कर सकते, या फिर ये हाथ को काट भी सकता है, यानी कि हाथ चरपटे बोलते हैं ना, चरपटे लग जाते हैं इससे। देख रहे हो ये सारा काट के जो है मैं सेट करके जो है फिट किया हूँ दीवार में। और भाई ये अड़ोस पड़ोस वालों, आपके आजू बाजू में कोई घर बनाते हैं तो यार उनको कुछ बोला मत करो। अब देख रहे हो ना ये छोटी सी गली जो है पैक नहीं कर सकती, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर पैक करना पड़ रहा है। इतना एक टीन लगा करके ऊपर से मैं इसको पाइप लगा करके वेल्डिंग मार रहा हूँ। अभी क्या करते हैं, कभी कभी गैप आ जाता है तो उसको जो है ना चारनी सलाख लगा करके पैक करना पड़ता है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भैया आज पूरा 12 घंटे काम करने के बाद काम ख़त्म हुआ, अभी हम चलते हैं नवीपेट, वहाँ से कुछ और सामान लेना है। तो चलेंगे जावेद भाई, यल्ला हबीबी, यल्ला यल्ला।